तो हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। होप यू ऑल आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। दोस्तों, आज के अपनी इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि मुकेश अंबानी के लाइफस्टाइल के बारे में। तो अगर आप सभी में मुकेश अंबानी के फैन है तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चले फ्रेंड्स, आज के अपनी इस लाइफस्टाइल वीडियो को शुरू करते हैं। मुकेश का रियल नेम है मुकेश धीरू भाई अंबानी, एनिक नेम है मुक्कू। मुकेश अंबानी की डेट ऑफ बर्थ है 19 अप्रैल 1957। का जन्म एडन यमन में हुआ था एंड ईयर 2022 के हिसाब से मुकेश अंबानी की एज हो चुकी है 65 ईयर। प्रोफेशन से मुकेश अंबानी एक इंडियन बिजनेसमैन है। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मुकेश अंबानी के फिजिकल अपीयरेंस के बारे में। मुकेश अंबानी की हाइट है 5'7" एंड इनका वेट है 70 किलोग्राम। मुकेश अंबानी का आई कलर है डार्क ब्राउन एंड इनका हेयर कलर है ब्लैक। मुकेश अंबानी ने अपने स्कूल की पढ़ाई की है हिल ग्रेंज हाई स्कूल पेदार मुंबई से एंड अपने कॉलेज की पढ़ाई की है इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी मुंबई से एंड स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के हिसाब से मुकेश अंबानी ने MBA की डिग्री हासिल की है स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से। अब चलिए आपको मिलवाते हैं मुकेश अंबानी के फैमिली से। मुकेश अंबानी के फादर का नेम था लेट धीरू भाई अंबानी एंड इनकी मदर का नेम है कोकिला बेन अंबानी। मुकेश अंबानी के ब्रदर का नेम है अनिल अंबानी एंड मुकेश अंबानी के 2 सिस्टर्स भी हैं और इनका नेम है नीना कोठारिया दीप्ति सालगोंकर। मुकेश अंबानी का रिलीजन है हिंदुइज्म, नेशनलिटी से इंडियन है। मुकेश अंबानी का जोडियक साइन है एरीज एंड इनकी हॉबी है रीडिंग एंड वॉचिंग मूवीज। चलिए फ्रेंड्स, अब बात करेंगे मुकेश अंबानी के करियर के बारे में। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो बताया जाता है कि मुकेश अंबानी का जन्म जिस वक्त हुआ था उनका परिवार उस वक्त इतना अमीर नहीं हुआ करता था। मुकेश अंबानी की फैमिली उस टाइम एक मिडिल क्लास फैमिली हुआ करती थी। जिस वक्त मुकेश अंबानी स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी USA में अपनी MBA की पढ़ाई कर रहे थे, उस वक्त मुकेश अंबानी के फादर यानी कि धीरू भाई अंबानी को गवर्नमेंट की तरफ से पॉलिएस्टर फिलामेंट यार्न का लाइसेंस मिला था। और इस गवर्नमेंट लाइसेंस के मिलने के बाद धीरू भाई अंबानी ने पॉलिएस्टर फिल्म NTR का प्लांट खोलने के लिए मुकेश अंबानी को भारत वापस बुलाया, जिससे वो अपने पिता यानी कि धीरू भाई अंबानी के साथ इस प्रोजेक्ट में साथ मिलकर काम कर सके। मुकेश अंबानी जब 18 साल के थे तब वो अपने पिता के साथ व्यापार संभालने लगे थे। साथ ही इसी उम्र में धीरू भाई अंबानी ने अपनी कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज के बोर्ड मेंबर्स में मुकेश अंबानी का नाम शामिल कर लिया। वैसे तो मुकेश अंबानी को इनका व्यापार यानी रिलायंस इंडस्ट्रीज, जिसकी वजह से ये आज इतने बड़े मुकाम पर पहुंच गए हैं, यह व्यापार इनको विरासत में इनके पिता से मिला था। लेकिन अपनी मेहनत और लगन से मुकेश अंबानी आज अपने पिता धीरू भाई अंबानी के इस रिलायंस इंडस्ट्रीज को विश्व भर में एक अलग काम पर पहुंचा दिया है, जिससे हम कह सकते हैं कि मुकेश अंबानी उसके लायक थे जो इंडस्ट्री उन्हें विरासत में मिली थी। साथ ही आज इनका पूरा परिवार और उनकी पत्नी नीता अंबानी और उनके सभी बच्चे आज इस कंपनी के लिए पूरा सहयोग देते हैं, जिसकी वजह से आज रिलायंस इंडस्ट्री 230 बिलियन US डॉलर यानी कि 17,10,000 करोड़ का बिजनेस करती है। लेकिन साल 2002 में धीरू भाई अंबानी के निधन के बाद कुछ विवादी मसलों की वजह से धीरू भाई अंबानी की कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज को 2 ग्रुप में बांट दिया गया, जिससे एक ग्रुप मुकेश अंबानी को मिला जिसका नाम उन्होंने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड रखा है और दूसरा ग्रुप अनिल अंबानी को मिला जिसका नाम उन्होंने धीरू भाई इंडस्ट्रीज रखा है। मुकेश अंबानी की कुछ मेजर कंपनीज के नेम है नेटवर्क 18, Jio, रिलायंस पेट्रोलियम एंड रिलायंस रिटेल। तो गाइस, ये थी कुछ बातें मुकेश अंबानी के करियर से रिलेटेड। अब चलिए बात करेंगे मुकेश अंबानी के रिलेशनशिप स्टेटस के बारे में। 1985 में मुकेश अंबानी ने शादी की थी नीता अंबानी से और करंटली मुकेश अंबानी के 3 बच्चे भी हैं। मुकेश अंबानी के बड़े बेटे का नाम है आकाश अंबानी एंड छोटे बेटे का नाम है अनंत अंबानी। मुकेश अंबानी की एक डॉटर है और इनका नेम है ईशा अंबानी। और चलिए अब आपको दिखाते हैं मुकेश अंबानी की कार्स कलेक्शन। इंडिया के सबसे अमीर आदमी होने के वजह से मुकेश अंबानी के गैराज में 600 से भी ज्यादा गाड़ियां हैं। और चलिए हम आपको मुकेश अंबानी की अल्ट्रा लग्जूरियस कार्स दिखाते हैं। मुकेश अंबानी की फर्स्ट कार है रोल्स रॉयस कलिनन और इस कार की कॉस्ट है 15 करोड़ रुपीस। और इस कार के ऊपर मुकेश अंबानी ने 0001 नंबर चढ़वाया था और इस नंबर के लिए मुकेश अंबानी ने 15 लाख रुपीस दिए थे। मुकेश अंबानी की सेकंड कार का नेम है बेंटले बेंटियागा और इस कार की कॉस्ट है 7 करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी की थर्ड कार है कैडिलैक एस्केलेड और इस कार की कॉस्ट है 1.5 करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी की फोर्थ कार का नेम है टेस्ला मॉडल एस
और इस कार की कॉस्ट है 1 करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी की फिफ्थ कार है मैक्लेरन 570S और इस कार की कॉस्ट है 2.5 करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी की सिक्स्थ कार है 1980s की विंटेज कार कैडिलैक फ्लीटवुड और इस कार को मुकेश अंबानी के फादर यानी की धीरूभाई अंबानी यूज किया करते थे और इस कार की कॉस्ट है 15 लाख रुपीस। अब चलिए आपको दिखाते हैं मुकेश अंबानी का अल्ट्रा लग्जूरियस हाउस एंटीलिया। साल 2010 में मुकेश अंबानी ने मुंबई के ऑल्टामाउट रोड के पास 4,500 स्क्वायर फीट की एक जगह खरीदी थी और उस जगह पर अपना घर बनवाया था। मुकेश अंबानी ने इस बिल्डिंग का नाम एंटीलिया हाउस रखा है और एंटीलिया 12,000 करोड़ की कीमत वाली ये बिल्डिंग दुनिया की सबसे बड़ी और महंगी इमारतों में से एक है। आप सबको बता दे कि मुकेश अंबानी के इस बिल्डिंग में 27 फ्लोर्स हैं और इस बिल्डिंग को मेंटेन करने के लिए 500 से भी ज्यादा लोगों को काम पे रखा गया है। कार्स के साथ साथ मुकेश अंबानी के पास उनके खुद के प्राइवेट जेट्स भी हैं। मुकेश अंबानी के फर्स्ट प्राइवेट जेट का नेम है बोइंग बिजनेस जेट 2 और इंडिया में इस प्राइवेट जेट की कॉस्ट है 535 करोड़। मुकेश अंबानी के सेकेंड प्राइवेट जेट का नेम है फैल्कन 900EX और इस प्राइवेट जेट की कॉस्ट है 80 करोड़ रुपीस। मुकेश अंबानी का थर्ड प्राइवेट जेट है एयरबस 319 कॉर्पोरेट जेट और इस प्राइवेट जेट की इंडिया में कॉस्ट है 600 करोड़। एडजेंट बात करेंगे मुकेश अंबानी के इनकम एंड नेटवर्थ के बारे में। करंटली मुकेश अंबानी इंडिया के सबसे अमीर आदमी है और अगर वर्ल्ड के रिचेस्ट मैन में देखा जाए तो मुकेश अंबानी 10th नंबर पे लैंड करते हैं और करंटली मुकेश अंबानी के नेटवर्थ है 10,000 करोड़ की। तो गाइस ये थी इंडिया के सबसे अमीर आदमी यानी कि मुकेश अंबानी की लाइफस्टाइल वीडियो। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। और वीडियो कैसी लगी है कमेंट करके अपनी फीडबैक जरूर दें। और हमने अपने चैनल के ऊपर मुकेश अंबानी के बारे में इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के ऊपर भी वीडियो बनाई है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स एंड आई बटन में मिल जाएगा। तो आप सभी उस वीडियो को भी चेकआउट कर सकते हैं।